नाउ इन रीडिंग पार्ट ए वो क्या देंगे, कितना बताएंगे इसके बारे में और किस तरह से बताएंगे, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम टॉपिक, कंटेंट और प्रेजेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, सो ये आपको सिर्फ एक ही दफा इनसाइट की जरूरत है। वंस यू नो ऑल दिस थिंग्स तो फिर आपको दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक, कंटेंट और प्रेजेंटेशन, अभी जब आपको बात बताने लगा ये भी फिक्स्ड है, वो इसी पैरामीटर के अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। ठीक है, ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के बाद आपको मजीद पुख्ता हो जाएगी, लाइक फिर आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली किसी को बता भी सकते हैं कि ऐसे आने वाला है। इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं पार्ट ए के अंदर, दे ऑलवेज कम डिजीज, कंडीशन, प्रोसीजर, इससे बाहर नहीं जाते। अगर मैं इसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दूं थोड़ा सा, यही है, डिजीज है जो कि एक लॉन्ग टर्म चल रहा है पेशेंट का, वो टाइम टू टाइम आ रहा है और एक शायद लाइफ लॉन्ग उसकी एक चीज उसके साथ ऐड हो जाती है। कंडीशन वो होती है जिसमें पेशेंट टेम्पररी इन्वॉल्व होता है और जब वो ट्रीटमेंट मिलता है वो ठीक हो जाता है तो उस कंडीशन से वो बाहर आ जाता है। तो अगर इस तरह की कोई वो प्रॉब्लम के साथ आ रहा है जो कि टेम्पररी है, ऑब्वियस इट्स अ कंडीशन, तो वो ट्रीटमेंट लेगा और ठीक हो जाएगा। एंड अगेन प्रोसीजर्स जो हैं ये सारे के सारे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, सो ऑब्वियस यू नो कि जब मेडिकल प्रोसीजर्स आते हैं तो आपने मेडिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। यहाँ तक ओके, इट मीन्स कि पार्ट ए में जो भी टॉपिक आएगा वो प्योरली मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन से बाहर नहीं जाते। ठीक है, लाइक फिजियोथेरेपी टाइम काइंड की चीज नहीं आती इसके अंदर, डेंटल से रिलेटेड चीज नहीं आती, वो बस टिपिकली इसको मेडिसिन के अंदर रखते हैं, मगर वो इतना जनरल रखते हैं कि एवरीबडी कैन अटेम्प्ट एंड एवरीबडी कैन सॉल्व द पेपर। सो वो कॉमन सी डिजीजेस, कॉमन सी कंडीशंस और कॉमन ही प्रोसीजर पिकअप करते हैं, जो कि हॉस्पिटल में डेली बेसिस पे या मेरा ख्याल है एक दिन में सैकड़ों दफा शायद होते हैं। सो दे पिकअप लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, थोड़े से जरा हटके भी आ जाते हैं मगर बहुत ही यूनिक किस्म के नहीं आते, जो कि किसी फील्ड की स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो, इतने डीप नहीं जाते पार्ट ए के अंदर स्पेशली। गुड, अब बात आ जाती है इसके कंटेंट की, कि अगर ये टॉपिक तो आ गया तो अब इस पे कंटेंट किस तरह का आएगा। अब कंटेंट में चार चीजें हैं, अब यहां पर मैं एक और बात लिखने लगा हूं, आपने प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। ए बी सी डी, आपका जो पार्ट ए है जब आप इसको खोलेंगे, इसके कंटेंट बुकलेट को जिसमें कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसकी आगे फर्दर फोर डिविजन्स होती हैं, जिसको हम टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी एंड टेक्स्ट डी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज है ना, वो भी पार्ट ए बी सी आ गया, अब टेक्स्ट ए बी सी डी आ गया, दो डिविजन्स आ गई एंड सो ऑन, ये एक दो हफ्ते बाद बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी सिर्फ आप यहाँ पर हैं, सो हम बात करें पार्ट ए की। जैसे आप अपने बुकलेट खोलेंगे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुक फॉर्म में आपको दी होती है, जैसे आप बुक खोलते हैं ना दोनों पेज आपके सामने खुल जाते हैं, इसी तरह आपको एग्जाम में प्रेजेंट होती है। जैसे आप अपनी बुकलेट खोलेंगे कंटेंट की, वो दोनों साइड पे खुल जाएगा, उसमें ऑलरेडी डिविजन्स लगी होंगी, टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, सी एंड डी, प्योरली लेबल्ड होता है, लाइक वो मिस नहीं आप कर सकते, इट्स लाइक सो मच क्लियर। प्लस उसके मार्जिन लगे होते हैं, टेक्स्ट ए का लेबल लगा के उसने मार्जिन ड्रॉ किए होते हैं, उसके अंदर अंदर ए होते हैं, इसी तरह फिर बी सी एंड डी, वो इतना डिस्टिंग्विश उन्होंने किया होता है कि लाइक स्टूडेंट मिक्स नहीं कर सकता कि ए कहाँ पे खत्म हुआ और बी कहाँ से शुरू हो, ऐसा नहीं होता। हमें ये पता है कि उसने, जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, टॉपिक हमें पता लग गया कि डिजीज आ सकती है, कंडीशन या प्रोसीजर, अब हमें ये बात पता लगी कि वो उसने चार हिस्सों में तकसीम करके हमें दे दी। एक तो प्रेजेंटेशन ये होगी आपकी, अब उसमें आएगा क्या, ये जो पांच चीजें लिखी हैं ये पांच चीजें एक्चुअली उसकी रेंज है, या कह ले कि ये कंटेंट है जो उस टॉपिक के ऊपर बेस करता है। उस टॉपिक की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर दी जाती है, जिसके अंदर डेफिनेशंस भी आ सकती हैं या उसकी सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन जो उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उस टॉपिक से रिलेटेड मेडिकेशन, उसी टॉपिक से रिलेटेड ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या प्रोसीजर। यहां तक बात ओके है, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये मैंडेटरी पार्ट है पार्ट ए का। जिस दिन भी आप एग्जाम के लिए जाएंगे, जब आप पार्ट ए अपना रीडिंग का ओपन करेंगे, उसका जो टेक्स्ट ए है ये वाला, उसमें 100% बेसिक इंफॉर्मेशन ही होती है।
टॉपिक सबसे ऊपर लिखा होता है, और जैसे आप टेक्स्ट ए देखेंगे, टेक्स्ट ए में उस टॉपिक की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। ये वही है कि जैसे आपने किताब खोली तो किताब का जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉपिक्स। तो टेक्स्ट ए इज ऑलवेज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बेसिक इंफॉर्मेशन कह लें, जनरल इंफॉर्मेशन कह लें, डेफिनेशन कह लें, द वे यू कैन अंडरस्टैंड। गुड। अब ये जो बाकी की चार चीजें हैं ये फ्लक्चुएट होती हैं, ये फिक्स नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है एक दिन जो मेडिकेशन है वो डी में लिखी हुई आ जाए आपको, आप जब मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो हो सकता है एक दिन जो मेडिकेशन है वो आपको बी में लिखी हुई आ जाए, एक दिन मेडिकेशन सी में लिखी हुई आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन टेक्स्ट करो उसमें मेडिकेशन लिखी ना हो कोई, अब वो कैसे होगा। हमारे पास चार पोर्शन है ए बी सी एंड डी, इसमें से एक तो आगे बेसिक डेफिनेशन वाला, अब पीछे हमारे पास जगह बच गई तीन और इंफॉर्मेशन चार हिस्सों में, तो यहां तो इनमें से सिर्फ वो तीन चीजें उठाएगा और इधर पुट अप कर देगा, उसने एक चीज छोड़ देगा वो खुद ही, या अगर ये चारों चीजें डालेगा तो फिर इन तीनों के अंदर उसको मिक्स करेगा। मीन्स अगर चार चीजें हैं और मैंने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली मैं किसी दो को मिक्स करके तभी तीन में सुमें डिवाइड कर सकता हूँ। इट मीन्स कि हो सकता है आप टेक्स्ट बी खोलें उसमें मेडिकेशन और ट्रीटमेंट इकट्ठा लिखा हो सकता है प्रोसीजर और मेडिकेशन इकट्ठा लिखा हो, तो दे कैन मिक्स इट अप। ये अभी शायद इतना आपको ना समझ आ रहा हो, बट वेन यू प्रैक्टिस, वेन यू विल बी डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, यू विल एनालाइज बाय योर सेल्फ के इन्हीं में घूमता। तो सबसे पहले तो बस आपने ये समझना है कि यार इस पैरामीटर से बाहर नहीं जाता हुआ, जो भी आपको टॉपिक आता है उस पे ये पांच चीजें ये इनके ऊपर ही इंफॉर्मेशन है, दैट्स द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एग्जाम में ये पांचों की पांचों आ सकती हैं, या इसमें से सिर्फ चार चीजें आ सकती हैं, इसमें से सिर्फ तीन भी आ सकती हैं, कोई छह में चीज ऐड नहीं करेगा, मैक्सिमम ये फाइव है, आइदर ऑल फाइव और मे बी जस्ट टू और मे बी थ्री आउट ऑफ दिस फाइव। तो मगर प्रेजेंटेशन चार हिस्सों में आएगी, ये फिक्स्ड है। यहां तक मेरे साथ है, थोड़ा ज्यादा एबीसीडी हो गया मगर जब पेपर देखेंगे तो मेरे ख्याल थोड़ा क्लियर होगा। ऑलराइट, जिसकी तीसरी चीज द प्रेजेंटेशन। हमने देखा कि टॉपिक क्या आएगा, टॉपिक पे कंटेंट किस तरह का देंगे, तीसरी चीज इसकी सिंपल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। ये जो लिस्ट बनी है ये सब उनके प्रेजेंटेशन स्टाइल्स हैं, जिसमें टेक्स्ट, टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट एंड पिक्चर। Although you must have heard all the names, मगर जब हम इनका नाम लेते हैं ना तो थोड़ा सा स्टूडेंट सोचता है अच्छा यार ये पता नहीं कब पढ़े थे, शायद मैथ्स में पढ़े थे, नर्सिंग में भी वैसे आपने पढ़े होंगे, चार्ट्स बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, या आपने मेडिसिन में भी पढ़े होंगे। टेक्स्ट तो हो गया सिंपल क्योंकि इंग्लिश का टेक्स्ट है तो इंग्लिश टेक्स्ट आएगा इसके अंदर, फिगर्स भी आ सकते हैं, टेबल भी आर वेरी मच फेमिलियर, इसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं तो टेबल की सूरत में इंफॉर्मेशन आ जाती है। आमतौर पर जब क्लासिफिकेशन दी जाती है या मेडिसिन का जो चार्ट बनता है वो टेबल में ही ज्यादा रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसके अंदर टेबल्स काफी आते हैं। ये जो पहले दो हैं ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं और यही सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन आती है, बाकी जो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, फ्लो चार्ट है इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, पाई चार्ट और पिक्चर की तो बहुत ही कम है। अगर इनमें से कुछ आ भी जाता सिर्फ आपको ये रीड करना आना चाहिए, आपको कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं है। They give you information in this form, इनके presentation style, graph बना के दे देंगे, graph को सिर्फ read करना आना चाहिए, ठीक है, वो जब हम इसको read करना सीखेंगे, अगर आपको already आता है, तो we are good to go, you just need to like get the information out of this context, otherwise there is no other requirement, और बहुत ही कोई hard किस्म के graph नहीं आते, क्या आपको याद करने पड़े, simple basics आपको आनी चाहिए, और उन basics को follow करके तो आराम से उसको understand कर लेते हैं। जस्ट एक छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं, टेबल की करता हूँ, वहीं से आपको समझ आ जाएगा। टेबल जब आप एक हम छोटा सा टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपके हो गए कॉलम्स, और ये आ गई आपकी रोज, ठीक हो गया जी। अब कई बार टेबल्स वर्टिकल साइड से लिखी होती हैं और कई बार वो हॉरिजॉन्टल साइड से लिखे होते हैं। अगर टेबल वर्टिकल साइड से लिखा है तो ये जो सबसे पहला खाना होता है यहाँ पर एक्चुअली आपके हेडर्स लगे होते हैं और उसके नीचे इंफॉर्मेशन होती है, आप ऊपर से इंफॉर्मेशन को नीचे की तरफ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है।
अगर टेबल्स हॉरिजॉन्टल से हैं तो एक्चुअली इस वाले पोर्शन में टेबल्स की हेडरेस लगी होती है, फिर आप टेबल को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ही है। तो बेसिकली आप सिर्फ हेडर्स को फॉलो करके देख लेते हैं कि यार इसको रो वाइज पढ़ना है या इसको कॉलम वाइज पढ़ना है, ठीक है, सिंपल है ना। इसी तरह जो आपके लाइन ग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स है उसमें भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोलते हैं, या अगर उसे यूनिट से है तो यूनिट्स होते हैं। आपने उनको मिला के बस इसको पढ़ना, सिंपल है। बट अगेन व्हेन दे विल अपीयर इन द एग्जाम और इन द टेस्ट, कुछ है मेरे पास टेस्ट उसके अंदर सारी चीजें कवर होंगी एक एक करके, हम उसमें सबको कवर करते हैं। गुड, आज जो मैं आपको टेक्स्ट देने लगा ना उसमें हमारे पास टेक्स्ट तो है ही है और उसमें मेरे पास एक फ्लो चार्ट है। आज आप समझिए कि आज फ्लो चार्ट आपको पढ़ना आ जाएगा अगर आपको पहले नहीं आता। गुड, सो दैट्स द स्टोरी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। सो आई विल जस्ट सबमिट अप, इसको मिनिमाइज करते हैं फिर जरा अच्छा नजर आएगा। So in part A we have discussed, you get three things, क्योंकि comprehension paper है, topics आते हैं, topics, disease, condition या procedure, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब कौन से डिजीज है मोस्ट प्रोबेबली कॉमनली पिक करते हैं वो। कॉन्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर आती है प्लस मेडिकेशन ट्रीटमेंट प्रोसीजर और इसका मेडिकेशन ट्रीटमेंट, ये चार चीजें हैं जो बाकी की आती हैं इसके अंदर। और प्रेजेंटेशन जो लिस्ट यहाँ पे बनी है इससे बाहर नहीं जाते, यही उनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल, ठीक है। अगेन ये वाली चीज भी बाय द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ आपको वैसी याद हो जाएगी, मगर शुरू में है कि आपको बस पता होना चाहिए कि क्या इनकी प्रेजेंटेशन है, किस तरह से आपको एग्जाम में देता है। गुड, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है?